तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रो ट्रेजर के बारे में। यानी कि कल उनका जो डायनामाइट का शो आने वाला है उसको एक स्पेशल यहां पर थीम दी गई है रो ट्रेजर की, और कल से यहां पर उनके लाइव इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब कल से यहां पर वो अलग अलग सिटीज़ में जाके शो करने वाले हैं अपने, और कल का शो यहां पर मायामी से होने वाला है। तो कल यहां पर काफ़ी बड़ा शो होने वाला है, काफ़ी सारे बड़े बड़े मैचेज अनाउंस हैं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रिडिक्शन करेंगे पूरा, मैं आपको प्रीव्यू बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा क्रिस टैटलैंडर एंड ऑरेंज कैसिडी वर्सेस द बनी एंड ब्लेड के बीच में। अब इनके मैच के लिए मैं ज्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं हूं, और बस कुछ ही अब तो पहले से हम देख रहे थे यहां पर ऑरेंज कैसिडी और ब्लेड वगैरह के बीच में कुछ मतलब चीजें चल रही थी, तो इनका एक मिक्स टैग टीम मैच यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट मैं आऊंगा, और यहां पर मैं पिक करने वाला हूं ऑरेंज कैसिडी और क्रिस टैटलैंडर को। मेरे हिसाब से शायद इस मैच को यहां पर वो जीत जाए। अगले मैच के बारे में बात करें, जो कि आज यहाँ पर होने वाला एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, जहाँ पर एक साइड होने वाला इनर सर्कल यानी कि उनकी साइड होने वाले हैं जेक हेगर, सेंटाना, ओर्टीज, और दूसरी साइड होने वाले हैं पिनेकल की टीम के FTR और वॉडलो, और उनके साइड उनके कोचेस भी होने वाले हैं, कोचेस या फिर मैनेजर आप बोलो। इधर से होने वाले हैं कॉनन, और साथ ही उधर से होने वाले हैं FTR की साइड से टुली ब्लैंचर्ड। तो इनके बीच में एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है, काफ़ी टाइम से मतलब बहुत ही टाइम हो गया, हम सबको पता है यहाँ पर इनर सर्कल और पिनेकल की फ्यूड चल रही है, और इनके मैचेस भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं, और इनका एक कल सिक्स मैन टैग टीम मैच होने वाला है। तो हो सकता है ये मैच काफ़ी ना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अभी तक हमने बारी बारी से हम काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के मैचेस देख रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था MJF और सैमी गुवारा का मैच हुआ था, उससे पहले हमने देखा था वॉर्डलो और जेक हेगर का मैच हुआ था। तो बारी बारी से यहाँ पर दोनों टीम्स के मेंबर्स के बीच में मैचेस हो रहे हैं, तो ये मैच काफ़ी ना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी विक्ट्री काफ़ी ना इंपॉर्टेंट होने वाली है, किस टीम के साइड यहाँ पर ये जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं पिक करूँ तो यहाँ पर मैं पिक करूँगा वॉर्डलो वाली टीम को, यानी कि पिनेकल वाली टीम को यहाँ पर मैं पिक करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो अपनी चालाकी से चीटिंग कर करा के शायद इस मैच को जीत जाएं, तो मेरी पिक होने वाली है यहाँ पर पिनेकल की साइड। अगले मैच के बारे में बात करें, चूँकि आज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अंद्रादे का डेब्यू, यानी कि उनका इन रिंग डेब्यू होने वाला है, उनका मैच यहाँ पर होने वाला है मैट साइडल के साथ, और यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा मैच यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। दोनों थोड़े काफ़ी एक बढ़िया सुपरस्टार हैं, हाई फ्लाइंग एक्शन भी यहाँ पर ये कर सकते हैं, और काफ़ी कमाल का मैच दे सकते हैं। मैट साइडल भी थोड़े इस टाइप के यहाँ पर सुपरस्टार हैं, और अंद्रादे को तो आपने देखा ही है WWE के अंदर भी। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं है कोई भी यहाँ पर इस मैच को प्रिडिक्ट करने में दिक्कत है, क्योंकि अंद्रादे का पहला मैच है AEW के अंदर, तो बिल्कुल इस मैच को तो वो हारने वाले नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरी पिक होने वाली है अंद्रादे की साइड, मेरे हिसाब से वो यहाँ पर अपने डेब्यू के मैच को यहाँ पर जीत जाएंगे। अगले मैच के बारे में बात करें, जो कि गाइस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि होने वाला है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए यंग बक्स वर्सेस यहां पर एडी किंगस्टन और पेंटा के बीच में ये मैच होने वाला है, और यहां पर ये मैच होने वाला है एक स्ट्रीक फाइट। तो समझ जाओ कितना ज़बरदस्त एक्शन हमें इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिल सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह का कोई काम नहीं होने वाला, स्ट्रीक फाइट होने वाली है, और काफ़ी बढ़िया मैच होने की उम्मीद मुझे इन दोनों टीम्स के बीच में लग रही है। और इस मैच का भी यहाँ पर जो रिजल्ट है काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रिडिक्टेबल है, मुझे लगता नहीं है यंग बक्स यहाँ पर अभी अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं। और वैसे भी लास्ट वीक हमने देखा था जब इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर एडी किंगस्टन और पेंटा की जीत हुई थी, तो लगातार मुझे लगता नहीं है दो बार यहाँ पर यंग बक्स की हार होगी, और इस बात तो यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, तो बिल्कुल मुझे लगता नहीं है इस मैच के अंदर जाना कुछ दिक्कत होने वाली है, और यंग बक्स जैसे तैसे करके मुझे लग रहा है इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। अगले एक सेगमेंट की बात करें तो गाइस यहाँ पर हमें MJF और क्रिस जेरिको का फेस टू फेस स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा। दोनों सुपरस्टार यहाँ पर रिंग के अंदर फेस टू फेस होने वाले हैं, और यहाँ पर क्रिस जेरिको को मैच चाहिए MJF के साथ में, तो उसी को लेके कुछ डिस्कशन होने वाला है, शायद यहाँ पर MJF एग्री कर जाए मैच के लिए, और शायद इनका मैच आगे के लिए अनाउंस होता हुआ नजर आए। तो इनका सेगमेंट होगा जिसको देखना काफ़ी आना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेन इवेंट की बात करें, जो कि मुझे यहाँ पर लग रहा है देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर होने वाला है कोडी रोड्स वैसे क्यूटी मार्शल के बीच में, जो कि यहाँ पर होने वाला है साउथ बीच स्ट्रैप मैच। तो स्ट्रैप मैच हमें दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में देखने को मिलने वाला है। इनकी भी जो फ्यूड है काफ़ी टाइम से चल रही है, यहाँ पर नाइटमेयर फैमिली और फैक्ट्री को लेकर इनकी फ्यूड हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो इनका मैच होने वाला है, और यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं है जाना कुछ दिक्कत है। मुझे लग रहा है इतने टाइम बाद जब फैंस आने वाले हैं, मतलब फैंस तो AEW के अंदर आ ही चुके हैं, लेकिन अलग सिटीज़ में जाके इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं उनके, तो शायद शो की शुरुआत एक मतलब शो की एंडिंग यहाँ पर मतलब हैप्पी हो, तो यहाँ पर मैं पिक करूँगा कोडी को, शायद इस मैच को यहाँ पर वो जीत सकते हैं, और शायद कोडी की जीत के बाद इनकी जो फ्यूड है यहीं पर ख़त्म भी हो जाएगी। तो इतने सारे मैचेज हमें देखने मिलने वाले हैं कल के AEW के रोड रेजर के अंदर।
कल के शो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फिर से मतलब देखना होगा, अलग सिटी में इवेंट होगा, इतने टाइम से जैक्सनविल के अंदर डेली प्लेस के अंदर हो रहा था, तो इस चीज़ के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं कल AEW के अंदर भी हमें क्या कुछ नई नई चीज़ें देखने मिलती हैं, क्या पता उनका न्यू स्टेज हमें देखने मिल जाए, या फिर लाइटनिंग को भी लेके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो कल का शो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपकी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, और क्या आप भी कल के रोड रेजर के लिए एक्साइटेड हो। जो भी इसके बारे में कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक की भी ना कहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।